गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शशत नमन करती हूँ, इस लाइव लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और इनका जो प्रोग्राम है इसमें आए हुए आप सभी आगंतुकों का आदरणीय भिक्षु संघ को सादर बंदामी करती हूँ और आप सभी लाइव लॉर्ड बुद्धा लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम में आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं सभी साथियों आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, इतना देर मुझे हो गया, मुझे टाइम का आइडिया नहीं लगा। मैं दिन में यही नोएडा में एक प्रोग्राम में थी, मुझे लगा 2 घंटे में आ जाऊँगी लेकिन 4.5 घंटा लग गया नोएडा से यहाँ तक आने में। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ मिलिंदर जी आपसे और आपकी पूरी टीम से कि मैं इतना देर से पहुँची। कभी मैं लेट से नहीं पहुँचती हूँ किसी कार्यक्रम में, लेकिन आज मैं ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं करूँगी क्योंकि मैं आज के लिए मैं सोच के आई थी कि कुछ बातें आपसे कुछ इस तरीके से किया जाए कि आप लोगों को वो उस दिन का याद आए जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बुद्ध जयंती है ना, बोधि वर्ड है, बुद्ध वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान, और बुद्ध को बुद्ध कहा गया जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको तथागत कहा गया जब उन्होंने सत्य को जान लिया तो उनको बुद्ध कहा गया। तो ये सत्य का ज्ञान कैसे हुआ बुद्ध को? सत्य का ज्ञान हुआ कि आदमी के दुख का कारण क्या है। आप भी दुखी हो, हम भी दुखी है, दुखी हम सब हैं, लेकिन किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो भी दुखी है, किसी के पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, किसी के पास कई मंजिला बिल्डिंग मकान है वो भी दुखी है, और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। दुख तो सबके पास में है, इस दुख का कारण क्या है, इस कारण का निवारण क्या है और इसके उपाय क्या है, ये बुद्ध ने हमको बताया। इसका उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान बुद्ध के ट्रांसफर होकर के आगे सम्राट अशोक तक आया। जब कलिंगा युद्ध से वो निकल लौट रहे थे हमारे सम्राट अशोक, तो वो एकदम खून से लथपथ थे और सामने उनके 2 भंते लोग जब निकल के जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहे थे और 2 भंते उनके सामने से बात करते हुए चले जाते हैं, उनको नोटिस भी नहीं करते। तब उनको आभास होता है कि अरे ये कौन व्यक्ति है जिसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, और वो सम्राट अशोक उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो, तो बताते हैं कि हम भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं। तो वो बुद्ध के जो मानने वाले थे उनसे पूछते हैं सम्राट अशोक कि आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? बोलते हैं भंते लोग कि हाँ पहचाना, आप वही लोग हो, आप वो हो जो कहीं से बहुत सारे लोगों की हत्या करके खून से लथपथ होकर के युद्ध स्थली से चल के आ रहा है, आप एक हत्यारे हो। तो सम्राट अशोक को समझ में नहीं आता है कि मैंने इतने सारे लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की और ये मुझे हत्यारा बोल रहे हैं। तो वो तुरंत विरोध करते हैं, भंते से बोलते हैं कि मैंने लोगों के ऊपर विजय प्राप्त की, मैं योद्धा हूँ, ये हूँ। तो भंते उनको कहते हैं कि योद्धा वो होता है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त होता है, दूसरे के ऊपर तलवार से खंजर से विजय प्राप्त करने वाला योद्धा नहीं होता है। ये वो क्षण था कि सम्राट अशोक को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अरे ये क्या, कि सच में मैंने तलवार के दम पे दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त की तो मेरा अपना क्या। और उसी क्षण सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया, जो आगे उनको महान राजा सम्राट अशोक बोला जाता है। यही बोधि हम लोगों के बाबा साहब को हुई कि आदमी के दुख का कारण क्या है, आपके और हमारे दुख का कारण उन्होंने अज्ञानता जाना। यही बोधि हमारे ज्योतिबा राव फुले को हुई कि हमारे और आपके दुख का कारण ये अज्ञानता है, हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं इसलिए हम परेशान हैं। और यही बोधि जब हमारे बाबा साहब को हुई तो उन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपने परिवार की देखभाल नहीं की और हमारा अपना पूरा जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और बाबा साहब के बाद यही बोधि फिर से हमारे माननीय कांचीराम साहब को हुई, जिन्होंने ये फैसला लिया कि इस बहुजन समाज को मैं इस दिल्ली के तख्तोताज तक पहुंचा करके दम लूंगा और बाबा के बच्चों के बिना, बाबा यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चों के बिना मैं इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। ये बोधि हुई हमारे माननीय कांचीराम साहब को, और साहेब कांचीराम के जाने के बाद या उनके समय रहते ही वो बोधि उनके बाद
हमारी आपकी प्यारी बहना, जिसको छोटा बच्चा भी और एक बूढ़ा आदमी भी अपनी बहन कहता है, हमारी उस बहना को भी वो बोधी हुई कि शायद अगर मैं शादी कर लूं तो शायद मैं समाज को उतना काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे अपना पति होगा, बच्चे होगा, घर परिवार होगा तो मैं उसमें उलझ जाऊंगी, तो शायद मैं समाज को 100% काम नहीं दे पाऊंगी। और इसीलिए हमारी उस प्यारी बहना ने आपके और हमारे लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ये परंपरा धीरे धीरे चलती चली आ रही है, ये त्याग की परंपरा सदियों से हमारे बहुजन समाज को जगाने के लिए चलती आ रही है। और आज का दिन बहुत धन्य है, ये अप्रैल का महीने का आज जो आखिरी दिन है ये बहुत क्रांतिकारी दिन है, क्योंकि इस अप्रैल के महीने में तीन तीन नहीं बल्कि चार चार क्रांतियां हुई। पहली क्रांति हुई 2 अप्रैल को, जो पूरे भारत को हम लोगों ने, बहुजनों ने अपनी शक्ति का एहसास कराया। ये 2 अप्रैल से शुरुआत हुई बहुजन क्रांति की, और उसके बाद 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्मदिन हमने मनाया, और उसके बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म मनाया, और आज के दिन हमको और आपको फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको और हमको कितना हुआ ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ऊना में, गुजरात में ऊना में जिन हमारे भाइयों को मारा गया, पीटा गया, आज उनके परिवार वालों को भी वही बोधी हुई भंते जी, और आज उनका पूरा परिवार आप लोगों की शरण में चला गया, तथागत बुद्ध की शरण में चला गया। तो देखिए वो पीड़ित परिवार आज बुद्ध की शरण में चला गया, ये जानकारी आप में से जिन लोगों को नहीं है आप इसकी जानकारी आज कर लीजिए। और ये बताओ बहन जी, आप कह रही थी ना इंदु चौधरी आ गई, उनको सुन के जाओ, बहुत अच्छा बोलती है हमारी प्यारी बहना, देखो वहाँ बैठी है, पता नहीं कहाँ से आपने मुझे देख लिया था, मैं काफ़ी लेट आके पीछे बैठी हुई थी। तो हमारी प्यारी बहना ये बताओ, उन्हें तो बोधी हो गई, आपको और हमको कब बोधी होगी? आपको और हमको कब बोधी होगी? आपको और हमको कब ज्ञान होगा? अभी भी आपके हाथ हमें गंडे ताबीज से खाली नहीं दिखाई दे रहे, अभी भी आपके गले हमको मंगलसूत्र से खाली नहीं दिखाई दे रहे। मेरे प्यारे भाई लोग जो यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हो, आप लोग भी मुझे उन्हीं गंडे ताबीज और नजर और धागे और रक्षा सूत्र में बंधे हुए नजर आ रहे हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा भैया, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसने त्याग किया तभी बहुजन समाज आगे बढ़ा। अगर आप आज भी ये बात नहीं जान रहे हो तो हमारे मिलिंदर गौतम जी, इनके सम्मान में तो लोग बहुत सारी बातें, मैं गाने सुन रही थी, वो मुन्ना नाम था उनका जो गा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे गीत बोले, और सही बात है, क्योंकि दोपहर में, पिछली साल में दोपहर में पहुंच गई थी, और दोपहर में पसीना बहाते हुए मिलिंदर गौतम जी को मैं यहाँ पे तार बांधते हुए देख रही थी, कारपेट बिछाते हुए देख रही थी, और कुर्सी लगाते हुए देख रही थी। तो मुझे साहेब कांशीराम की बात याद आई कि साहेब कांशीराम ने एक बार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उस जमाने में तो इतना लोग निकल के आते नहीं थे, तो साहेब कांशीराम खुद बैठ करके वो टेंट बांध रहे थे, तो गर्मी लग रही थी तो शर्ट उतार के रख दिए और नीचे एक लुंगी लपेट करके और टेंट बांध रहे थे। तो कुछ पुलिस वाले आए जानकारी करने के लिए, तो बोले कार्यक्रम का आयोजक कौन है, तो साहेब कांशीराम ऐसे बांध रहे थे, तो ऐसे देखते हैं, तो पूछते हैं हाँ बोलिए, बोले तुझसे नहीं बात करनी है, जो आयोजक है उसको बुला के लाओ। तो साहेब चुपचाप चले गए, तो टेंट के पीछे गए, और जो बुशर्ट उन्होंने उतार के रखी थी उस शर्ट को साहेब कांशीराम ने पहन लिया, और पहन के बटन बंद करते हुए आए, बोले कि हाँ बोलिए, मैं ही हूँ कार्यक्रम का आयोजक। तो साहेब कांशीराम को देख करके वो पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो खुद आयोजक है और खुद ही बैठ करके टेंट को बांधने का काम कर रहा है। क्योंकि साहेब कांशीराम को उस जमाने में बोधि हो गई थी, उनको इस बात का आभास हो गया था कि जब तक मैं खुद नीचे उतर के काम नहीं करूंगा तब तक आप लोग जगने वाले, हम लोग जगने वाले नहीं है। यही जागरूकता का क्रम 1993-94 में साहेब कांशीराम ने जब गठबंधन की पहली बार सरकार बनाई, तो उस समय साहेब कांशीराम को एक दिन लखनऊ एयरपोर्ट पे जाना था। मैं 5 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये म्यूजिकल प्रोग्राम है तो ये कार्यक्रम और तरीके से चलना चाहिए। आज मैं भी आपके लिए एक गाना लेके आई हूँ, इसीलिए मैं आज बात कम करूंगी। वो 5 मिनट का गाना है, वो गाना आपके सामने ज़रूर प्ले होना चाहिए, और जो आप सारी टीम है, आप ही की टीम उस पर डांस भी करेगी, क्योंकि हम तो केवल बजाने वाले हैं, और मैं गाती नहीं हूँ, मैं गाना रिकॉर्डिंग में है वो मैं लेके आई हूँ। तो साहेब कांशीराम को एयरपोर्ट जाना था, और साहेब कांशीराम के साथ में उस जमाने में आरके चौधरी जी, एक बहुत कद्दावर हमारे पासी समाज के नेता थे, वो साहेब कांशीराम के साथ ही साथ थे। तो साहेब कांशीराम जैसे निकले तो बोले गाड़ी कहाँ है, तो लाल बत्ती लगी हुई हमारे चौधरी जी की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी। तो चौधरी जी उस समय मंत्री थे, तो बोले साहेब यही तो गाड़ी है, इसमें बैठो। तो साहेब ने कहा ये गाड़ी तो तेरी है, तू तू
मंत्री है, ये गाड़ी तेरी है, तो इसमें मैं नहीं बैठ सकता। वो बोले, अरे साहेब ये गाड़ी तो आपकी वजह से है, आपकी वजह से मैं मंत्री हूँ, तो प्लीज आप इस गाड़ी में बैठो। साहेब ने कहा, ना ना वो काली वाली एम्बेसडर कार किसकी है? तो बोले, साहेब अपनी ही है। तो साहेब उस लाल बत्ती गाड़ी को छोड़ करके काली एम्बेसडर कार में बैठे, तो उनके साथ चौधरी जी भी जाके साथ में बैठ गए। तो जो लोग लखनऊ गए हैं, जहाँ पे आज माननीय कांशीराम स्मारक स्थल है, वहाँ पे पुराने कुछ समय पहले वहाँ जेल हुआ करती थी, तो उसी जेल रोड पे जब साहेब की गाड़ी निकल के आगे बढ़ी, तो साहेब कांशीराम ने चौधरी जी से कहा, चौधरी जरा पीछे घूम के देखो, वो जो पतला सा था, वो जो मछली मारता था, वो जो निसदवा था, जरा देखो वो अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में मेरे पीछे आ रहा है क्या? तो चौधरी जी ने ऐसे अपनी गाड़ी में से पीछे देखा और कहे कि हाँ साहेब, वो निषाद जी अपनी गाड़ी में, लाल बत्ती गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। कहे, अरे वो जो मोटका था, वो जो सब्जी उगाता था, देखो वो अपनी लाल बत्ती गाड़ी में पीछे आ रहा है क्या? तो चौधरी जी फिर पीछे ऐसे घूम के देखे और कहे कि हाँ साहेब, वो निषाद जी भी अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में हमारे पीछे आ रहे हैं। तो साहेब कांशीराम ने कहा चौधरी जी से कि चौधरी, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि जिस समाज को कभी कोई कुछ समझता नहीं था, जो सब्जी उगाता था, जो मरा हुआ पशु उठाता था, जो चमड़े से जूता बनाता था, जो मछली मारता था, जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, आज उसने अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करके देखो लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूम रहा है। और जब ये लाल बत्ती लगी गाड़ी में हमारे समाज के लोग लखनऊ की सड़कों पे चलते होंगे, तो ये मनुवादी लोगों के छाती पे सांप लौटता होगा, आज ये देख करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इतना बोलते बोलते साहेब कांशीराम की आंखों में आंसू आ गए और उनके साथ में चौधरी जी भी रोने लगे। तो बहन जी भाई लोग, ये त्याग था हमारे साहेब कांशीराम का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अब भी जग जाओ, अगर अब भी नहीं जगे तो अभी तो केवल जो देश संभालने का जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी थी, वो लाल किला तक गिरवी रखा है परसों। लाल किला तक उन लोगों ने गिरवी रख दिया। आपको अब 2019 में ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार को सबक सिखाना है, बहुत अच्छे से सबक सिखाना है। सारी चमचागिरी, भड़ुआगिरी, रणुआगिरी सब छोड़ करके आपको 2019 में यही प्राइवेट लोग, जिनके ऊपर हमारे साहेब कांशीराम का सपना था कि ये नीला झंडा इस लाल किले पे लहराना चाहिए, जिस लाल किले को ये डर गए पहले ही, देख लो बहुजनों, डर गए पहले ही, इसलिए सोचे कि 2019 में मेरी विदाई हो, इससे पहले कि नीला झंडा लाल किले पे लगे, इसको उठा के प्राइवेट हाथों में दे दो। तो ये फिर से क्रांति का साल है। 29 तारीख को सरकार की ये फिर से बहुत बड़ी हार है कि इन्होंने नीली क्रांति का आगाज होने से पहले लाल किला गिरवी रख दिया। तो अब इन्हें 2019 में सबक सिखाने का समय आ गया है, क्योंकि भाई अभी कुछ दिन पहले, एक महीना पहले, उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी, सारे मंत्री लोग उनके बगल में बैठे थे, एक मंत्री उनका उठ के खड़ा हुआ और कहता है, आधुनिक रामायण शुरू हो गई है, इस आधुनिक रामायण की सुपरखा है मायावती, कह रहे हैं इस आधुनिक रामायण के सुग्रीव हैं केजरीवाल, उन्होंने बोला कि इस आधुनिक रामायण के हनुमान हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और बोला कि इस आधुनिक रामायण के श्री राम हैं हमारे योगी वो प्रधानमंत्री जी। तो कायदे से तो मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ये करके दांत चियार रहे थे, क्योंकि एक्शन का बूता तो है ही नहीं, दांत चियार रहे थे। तो हमें अगले दिन जब सोशल मीडिया से यह खबर मिली कि उन्होंने बहन जी को सुपड़खा बोला है, तो गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उसके दो ही दिन के बाद जब फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव डिक्लेयर हुआ, तो हमको समझ में आया कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फूलपुर और गोरखपुर पे जो खबर मिली थी हमको, साहेब कांशीराम के जमाने का नारा हमको याद आ गया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमें समझ में आया कि इनको आधुनिक रामायण क्यों याद आ रही थी, रामायण तो याद आएगी ही ना, केवल फूलपुर और गोरखपुर दो ही सीट पे मुलायम और कांशीराम इकट्ठा हुए और ये सारे के सारे हवा में उड़ने लगे। तो एक बार सोच करके देखिए कि अब मिल जाएंगे हमारे बहन जी और अखिलेश, और कब्जा करना है हम बहुजनों को पूरा देश, तो अपना देश कब्जा करने का ये समय आ गया है। अगर आप अब भी नहीं जागी बहन जी, आज मैं थोड़े आक्रमणकारी मोड में आई हुई थी पहले से ही, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी,
मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि साल दर साल मैं देखती हूँ ये बेचारे हमारे मिलिंदर जी, हमारे गंधर्व जी, आप सब लोग पूरा पूरे टाइम लगे रहते हैं, घूम घूम के कार्यक्रम करते हैं और रिजल्ट आ रहा है लेकिन उस अनुपात में रिजल्ट नहीं आ रहा है जितने में दिल्ली की जनता को रिजल्ट देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दिल्ली में यहाँ पर राजधानी में रहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है आपको रिजल्ट देना, क्योंकि अभी एक महीने पहले कठुआ में जो कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में अपनी एक 8 साल की बच्ची आसिफा को अगवा किया और मंदिर के अंदर 8 दिन तक ये दरिंदे, पता नहीं कितने दरिंदे उस बच्ची के साथ गलत काम करते रहे और उसके बाद उसको इंजेक्शन दे के, बेहोशी की दवा दे करके उसके साथ गलत काम करते रहे, भूखा प्यासा रख करके, और उसके बाद जब उनका मन भर गया तो उस बच्ची के सर पे पत्थर मार के उस बच्ची को जान ले लिए। तो हम आप बहन लोगों से फिर से इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप ये बताओ बहन जी कि 8 दिन तक उसी मंदिर का भगवान उस बच्ची की जान की रक्षा नहीं कर पाया, आप किस वजह से उनके पाले में पड़े हुए हो कि हे भगवान मेरा बच्चे की नौकरी लगा दे, हे भगवान मेरे पति की नौकरी लगा दे, हे भगवान मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। किस भगवान के फेर में आप पड़े हो जो भगवान एक 8 साल की बच्ची की जिंदगी नहीं बचा पाया, उस बच्ची की इज्जत नहीं बचा पाया, आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो भगवान निकल करके आपकी कोई भी इच्छा और आकांक्षा पूरी कर सकता है। ज्ञान कीजिए, ये आज बुद्धि का दिन है, आज बुद्धा जयंती है, आज हमारे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, आज के दिन आपको भी कुछ यहाँ से ज्ञान लेकर के अवश्य जाना है बहन जी। जो भगवान उस बच्ची की रक्षा करने नहीं आया, मुझे बहुत कष्ट है, वो आसिफा मेरी बेटी थी भाई, सतवीर भाई वो आसिफा आपकी बेटी थी, वो आसिफा मेरी बेटी थी, वो आसिफा का आसिका बहन जी आपकी बेटी थी, वो आसिफा हम सबकी बेटी थी, लेकिन मैं आज चैलेंज कर रही हूँ यहाँ पे आपके दिल्ली यमुना विहार से चैलेंज कर रही हूँ कि कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई अल्लाह मेरी उस बेटी आसिफा को बचाने के लिए नहीं आया। मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपनी बच्ची को प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे हत्यारों को फांसी चढ़ाने के लिए मेरे बाबा साहब का संविधान जरूर तुम्हारे सामने आएगा। तो हमारे बाबा साहब का संविधान अब उस बच्ची के हत्यारों को बचाने जरूर आएगा। तो बहना आप बताओ अब किसमें ज्यादा शक्ति है, भगवान में शक्ति है कि संविधान में शक्ति है? संविधान में शक्ति है तो देखिए, लाल किला गिरवी रख दिए तो क्यों नहीं अयोध्या में दे देते ठेके पे मंदिर बनवाने के लिए, दे दीजिए ना ठेके पे, किसी ने रोका है? सरकार केंद्र में, स्टेट में, दोनों जगह इनकी है, ठेके पे दे दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि शक्ति उसमें अगर होती तो पिछले 25 साल से उस भगवान की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, अयोध्या की पिछले 25 साल से सुनवाई हो रही है। ये दो उदाहरण आपके लिए काफी है ये समझाने के लिए बहन जी कि आपके रेस्क्यू के लिए, आपके बचाव के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान ही आपके सामने आएगा। इसी वजह से ये आपसे नफरत करते हैं, ये नफरत करते हैं और आपसे कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, ये कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। उत्तर प्रदेश 2017 के इलेक्शन में इन लोगों ने यही कहा कि चमारों की पार्टी है ये, हाथी वाले इनको छोड़ो, बोले ये साइकिल वाले यादवों की पार्टी है इनको छोड़ो, और बाकी सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। यूपी में 2017 में यही हुआ, चमारों को और यादवों को छोड़ दिया, बाकी सारे लोगों को लगा कि सच में वो हिंदू हैं और वो सच में इकट्ठा हो गए, और नतीजा जब आया तो पता चला, फोटो दिखाया गया शाहरुख खान का, ब्याह करा दिया गया अमरीश पुरी से। बने रहो हिंदू, अब संभालो 5 साल के लिए दुल्हा, 5 साल के लिए अपनी बारात, देखना जिंदगी नरक बन जाएगी अगर 2019 में आप लोग नहीं संभले तो। तो ये दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगी कि चुनाव आते ही फिर से ये हिंदू और मुसलमान का रायता जो फैलाएंगे कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, आज इस स्टेज से मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे फेसबुक पे इस बात को कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी जो लोग फेसबुक इंटरनेट नहीं चला रहे हैं, ये बात उनके लिए है कि मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप कि आपके आरक्षण का विरोध कौन करता है? कोई मुसलमान करता है?
आपको जाति व्यवस्था में किसने बांटा? किसी मुसलमान ने बांटा है? आपकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार क्या कोई मुसलमान करता है? आपके बाबा साहब की उंगली, हाथ, मुंह, मूर्ति क्या कोई मुसलमान तोड़ता है? तो फिर मुसलमान आपका दुश्मन कैसे हुआ? कैसे हुआ मुसलमान आपका दुश्मन? सुबह से शाम तक आप दूध खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, टेम्पो में जाते हो, बस में जाते हो, मेट्रो में जाते हो, क्या किसी की जाति और धर्म पूछते हो? नहीं। लेकिन शाम को जैसे घर में आते हो, टीवी खोलते हो, तो आपको दिखाया जाता है कि सबसे बड़ा आतंकी, आतंकवादी कोई है तो वो मुसलमान है। ऐसा क्यों है? हमारे को हमारी समस्या से दिमाग हटाने के लिए मुसलमान को दुश्मन बना के क्यों पेश किया जाता है? इसलिए कि आप कभी जानो ही ना कि मुसलमानों का आपको आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान था। इसलिए मैं आज आपकी सारी गलतफहमी दूर कर रही हूँ कि हमारे बाबा साहब जब लंदन में गोल में सम्मेलन में अंग्रेजों से हमारे लिए दो वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये मनवादी लोग, यही गांधी एंड कंपनी के लोग मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान के पास ब्लैंक चेक लेके पहुंचे थे और कहे थे कि मौलाना साहब आप इसमें जितना पैसा चाहे उतना पैसा भर लीजिए, लेकिन बदले में आपको डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना है। ये मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मौलाना, अपने मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान का कि जिन्होंने चेक तो ले लिया लेकिन चेक लेके गांधी जी के मुंह पे मार दिया और कहा कि गांधी जी जब डॉक्टर अंबेडकर हमारा विरोध नहीं करते तो हम भी डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं करेंगे, हम बिकाऊ नहीं है, इस पैसे से जाके आप किसी और को खरीद लीजिएगा। तो दो वोट के अधिकार की लड़ाई में किसी ने सहयोग किया तो मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान ने। महाड़ तालाब सत्याग्रह, आपको और हमको साफ पानी पीने का अधिकार दिलाने का जो सत्याग्रह हमारे बाबा साहब ने किया, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी जिस पे खड़े होकर बाबा साहब ने आंदोलन किया था। हमारे ज्योतिबा राव फूले जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले, उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी। और माता सावित्री बाई फूले के साथ जो औरत रोजाना इन ब्राह्मणवादियों का गोबर और कीचड़ सहती थी, औरतों की शिक्षा के लिए जो औरत बाहर निकली वो और कोई नहीं बल्कि हमारी अम्मी फातिमा शेख ही थी, वो भी एक मुसलमान औरत ही थी। तो आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? और एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि बाबा साहब जो भारत का संविधान लिख पाए, ये अवसर भी हमको मुसलमानों की वजह से ही मिला। ये मनुवादी लोगों ने तो बाबा साहब के लिए कहा था, डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद हैं, हम तुमको संविधान सभा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बंगाल के 48% मुसलमानों ने बंगाल की जयसुर और खुलना सीट से जब बाबा साहब को जिता करके संसद में भेजा, जो बाबा साहब को अवसर प्राप्त हुआ आपके और हमारे लिए संविधान लिखने का। वैसे तो बातें बहुत सारी है लेकिन अंत में एक बात और मुसलमानों के संदर्भ में आपको बताती चलूं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कोई मुसलमान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। ये तो हमारे दलित भाई, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग और मुसलमानों की एकता से ये मनुवादी लोग घबराने लगे थे, ये परेशान होने लगे थे। और इसी परेशानी के हाल इन्होंने ढूंढा कि मुसलमानों को अगर अलग कर दिया जाए दलितों का कोई रहनुमा रह नहीं जाएगा, इनकी कोई वकालत करने वाला रह नहीं जाएगा। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो हमारे देश के मुसलमान भाई हैं वो चाहते तो पाकिस्तान चले जाते ना, वो चले जाते ना। लेकिन आपको और हमको सबको धन्यवाद करना चाहिए अपने उसी मुसलमान भाइयों का कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये भारत देश हमारी मातृभूमि है, कर्मभूमि है, अपने देश को छोड़ करके हम दूसरे देश नहीं जाएंगे। तो वो मुसलमान को हमको धन्यवाद देना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच में जाति का धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं, ये आपके दुश्मन वही लोग हैं जिन्होंने आपको जाति व्यवस्था में बांटा बहन जी। तो आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है बल्कि आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांटा। आपका दुश्मन वो है जिसने आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपका दुश्मन वो है जिसने हमारे ऊना में उत भाइयों को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा, वो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन वो है जिसने कठुआ में हमारी आठ साल की बच्ची को इंसानियत की हदें पार करके जानवरों की तरह नोच करके खा करके फेंक दिया, वो हमारा दुश्मन है। तो मैं अब आगे बस इतनी बात कहूँगी कि ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, तो आप इनसे पूछो ना भैया, अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बना के रखा है? पूछो ना, किसने दामाद बना के रखा है?
है, तुम दामाद बना लो कोई बात नहीं, और हम अमन चैन से एक दूसरे के साथ में रहें तो बहुत दुख की बात है। तो मैं इसी बात पे एक पोयम आप लोगों के लिए, मैं वैसे तो कभी कुछ लिख के नहीं लाती हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आवाज़ उठाना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। 2 तारीख को जो भारत बंद सफल हुआ, मेरे घर में भी 2 ब्राह्मण पत्रकार मुझे खोजते हुए आए कि साला ये 2 अप्रैल का मास्टर माइंड कौन है। तो उनको कहीं से पता चला फेसबुक से कि मैडम बहुत एक्टिव है, तो मेरे पास आई। हम कहे बेटा चाहे जितना सत्य उगलवाओगे, सत्य तो यही है कि तुम्हारे पीछे तो एंटीना काम कर रहा है, हमारे पीछे का एंटीना इतना बड़ा है कि हमारे बगल में भी बाबा साहेब, इधर में भी बाबा साहेब, हमारे ऊपर भी बाबा साहेब, हमारे नीचे भी बाबा साहेब, बगल में भी बाबा साहेब, इधर भी बाबा साहेब, सब तरफ केवल बाबा साहेब हैं। तो फांसी पर चढ़ाना है तो जाओ जाके बाबा साहब को खोजो ना भैया, विचारधारा तो उन्हीं की हम लेके आए हैं। यही वजह है कि बाबा साहब जिंदा रहते भी इन लोगों को डराते थे और मरने के बाद में भी इनको डराते हैं। जे कितने डरपोक हैं, सोच के देखो बहन जी, आप किस भगवान से डरती हो? जे आपके बाबा साहब से डरते हैं, इसीलिए उनकी कभी उंगली तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ते हैं, कभी चश्मा तोड़ते हैं। तो बहन जी, जो बाबा साहब इतने डरावने हैं, आप क्यों नहीं उन बाबा साहब से डरती हो? बहन जी सारे लोगों को छोड़ के अब घर में केवल बाबा साहब की पूजा आपके होनी चाहिए। जितना तामझाम बना के रखा है इनको निकाल दीजिए, क्योंकि किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती, तोड़ी जाती है तो केवल हमारे बाबा साहब की तोड़ी जाती है। लेकिन मैं आह्वान करती हूँ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, क्रांति का साल है 2019 में, फिर क्रांति होगी। तुम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को कभी तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए ये अपील है आप सब लोगों से, ये अपील है आप लोगों से, ये किसी की पोयम है, मैंने इसको फेसबुक पे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब जुल्मते बढ़ जाए बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है। जब जुल्मते बढ़ जाए, यानी हमारे ऊपर जुल्म बहुत बढ़ जाए, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज़ उठाना लाजिम है। हमारा हाकिम कहता है कि हम गाय को बचाने के लिए सत्ता में आए हैं, बेटियों को बचाने के लिए नहीं आए हैं। तो जब हाकिम ही गुमराह कर रहा है, हाकिम लाल किले को गिरवी रख रहा है, तो ऐसे हाकिमों की ज़रूरत है क्या हमें? हमें ज़रूरत है नहीं। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज़ उठाना लाजिम है। जब कातिल संग हाकिम हो, हर लप्पे एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलियां हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है। देखिए, हर लप्पे पहरा लगा दिया गया है, जुबां खामोश करने की कोशिश की जा रही है, तो आवाम जगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है। जब ताकत सर पर चढ़ने लगे, जब जुल्म हद से बढ़ने लगे, जब आवाज़ उठाना जुल्म बने, जैसे 2 जनवरी को हुआ और 2 अप्रैल को हुआ, दोनों जगह हमारे लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया ना, जबरदस्ती जेल में डाल डाल के पीटा गया। तो जब आवाज़ उठाना जुर्म बने, जब लहू लहू से लड़ने लगे, हमारा ओबीसी भाई ही हमको पीट रहा है, हमारा शेड्यूल कास्ट भाई ही हमको काट रहा है, जब लहू लहू से लड़ने लगे, जब तासुब उनकी फितरत हो, फिरका परस्ती उनकी आदत हो, जुमलेबाजी उनकी आदत हो, फिरका परस्ती उनकी आदत हो, 56 इंच का सीना, झूठे लोग झूठा चिल्लाते रहते हैं। अरे भैया, वो क्या बोलते हैं, 1818 की भीमा कोरे गांव की क्रांति सुने हैं ना, तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काटा था, 500 को 28,000 से भाग दो कितना आएगा, 56। एक एक महार सैनिक ने 56 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था, तो 56 इंच का सीना किसका हुआ, किसका हुआ? हम बहुजन समाज के लोगों का हुआ 56 इंच का सीना। ये झूठे लोग, जब फिरका परस्ती इनकी आदत हो, जब दंगे ही दस्तूर बने, जब जड़ों में उनकी नफरत हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। बरहना है अमीरे वतन, यानी द किंग इज नेकेड, राजा अब नंगा हो गया है, उसके 56 इंच की सीने की भी हकीकत सबके सामने आ गई है, और लाल किला वाली हकीकत भी सामने आ गई है, और सारी हकीकत सामने आ गई है, ये उसको बताना लाजिम है। खुद तुमने जलाया मेरा चमन, मेरा चमन यानी मेरा भारत, खुद तुमने जलाया मेरा चमन, उस तक पहुंचाना लाजिम है, इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाना लाजिम है, हम सब भारतवासी एक हैं, हाकिम को सिखाना लाजिम है, नाम गिनाना लाजिम है, इल्ज़ाम लगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, इल्ज़ाम लगाना लाजिम है, इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाना लाजिम है। तो अब इस देश के दुश्मन भगवों से
भारत को बचाने की तैयारी कर दीजिए। हर चौराहे सट्टी पे केवल एक आवाज लगाइए कि वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की। ताजमहल की क्यों बात करते हो, आज की बात करो। हाँ चौकीदार, तो गलती वही हो गई ना, तो वही है ना, चौकीदार के रहते चोरी हो जाए तो इसका मतलब चौकीदार के आगे हड्डी डाल दी गई है, कुत्ते के आगे हड्डी डाल दी गई है। गड़बड़ी तो अपने से ही हुई है ना, तो दूसरे को दोष कैसे दे सकते हो। वो बात करते हैं ताज की, आप बात करो आज की। वो बात करते हैं शहंशाह की, तुम बात करो जय शाह की। जय शाह कौन है? हाँ थोड़ा रिसर्च किए हो। वो बात करेंगे शहंशाह की, तुम बात करना जय शाह की। वो बात करेंगे तीन तलाक की, तुम बात करो 15 लाख की। वो बात करेंगे गौशाला की, आप बात करो पाठशाला की। वो बात करेंगे गाय की, आप बात करो आय की। वो बात करते हैं कब्रिस्तान की, आप बात करो नारी सम्मान की। वो बात करते हैं गीता कुरान की, आप बात करो भारतीय संविधान की। वो बात करते हैं पाकिस्तान की, आप बात करो मेरा भारत महान की। वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, आप बात करो भूखे और नंगों की। वो बात करते हैं नदी और सफाई की, आप बात करो शिक्षा और दवाई की। वो बात करेंगे नए वादों की, आप बात करना पुराने वादों की। और वो बात करेंगे मन की, आप बात करना केवल और केवल काले धन की।